तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा आज क्या होने वाला है। कॉमेडी तो आपने बहुत सुन ली होगी, पर मुन्नावर भैया के जैसी कॉमेडी तो आपने नहीं सुनी होगी। हाल ही में कल उनकी पिटाई हो गई, तो चलिए आज देख लेते हैं कि उनके क्या हालचाल है। मुझे पता है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ मुन्नावर भैया की पिटाई होते हुए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं यार, बिना किसी बकचोदी के। तो पहले देख लीजिए कि भैया की पिटाई कैसे होती है। बीच में रखना सब लोग, पीछे देखो, पीछे देखो। चलो 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 चलो, ले मैं उसके साथ। चलो 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 चलो, तुम लोग हो ना पीछे। ये तो एक सैंपल है यार, ये तो बिल्कुल सैंपल है। पिटाई का वीडियो तो अभी देखना, क्योंकि पहले अपनी आंखें बंद कर दो। तुम लोग नहीं देख पाओगे कि मुन्ना और भैया की पिटाई है वो क्यों हो रही है। तो चलिए यार देखिए ओरिजिनल वीडियो पिटाई की। मैंने तुम लोगों को बोला है कि अपनी आंखें बंद रखो, वरना तुमको दर्द होगा भैया की पिटाई देखते हुए। तो यार तुम अपनी आंखें बंद मत करना। हाँ, मैंने तो सिर्फ मजाक के तौर पे बोला, क्योंकि आंखें बंद कर लोगे तो मुन्नावर भैया की पिटाई नहीं देखेंगे। तो अभी देखिए मुन्नावर भैया को हमारे वकील साहब है वो किस तरह धोते हैं। तो वकील साहब आप दो शब्द बोलिए मुन्नावर भैया जी के लिए। नहीं यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पुलिस वाले भैया जी इतने जल्दी इनको पकड़ के ले गए, बस एक लाफा पड़ा था कि पुलिस वाले भाई साहब इनको लेके चले गए। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ हाथापाई देखी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि इनको किस तरह से लातों से भी मारा गया। तो तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ हाथों से मारा, तो भाई गलत है, इनको लातों से भी मारा गया है। वो वीडियो दिखाने वाला हूँ, परंतु उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे मुन्नावर भैया जी है ना, उन्होंने कौन सी कॉमेडी की थी भगवान राम जी एंड सीता जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने कौन से अपशब्द बोले सीता मैया जी एंड भगवान श्री राम के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उन्होंने राम जी के बारे में क्या बोला है। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया गया और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसे मेरा पिया गया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। जिन लोगों को सिर्फ हिंदी समझ में आती है उनके लिए एक स्टैंड अप कॉमेडी है, पर जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनको तो पता होगा कि भाई फक ऑफ क्या होता है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं, मुझे पता है कि जो भाई वीडियो सभी देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि फक 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 वर्ड किस इस बंदे ने किसके लिए बोला है। तो इसका मतलब जब ये कॉमेडी कर रहे थे तब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो तो बस तालियां पीट रहे थे, और जिन लोगों को समझ आ गया उन्होंने मन में गांठ मार ली और वो वीडियो इनके ऊपर दो बार FIR की। पर भाई साहब जेल से छूट के बाहर आ गए, और जब जेल से छूट के बाहर आए तब भाई साहब ने एक वीडियो बनाया था कि मैं बाहर आ गया हूँ, आप कुछ घंटा भी नहीं उखाड़ पाए। तो क्या हुआ था कि जब ये बात आई गई हो गई, कल ऐसा हुआ था कि ये जब किसी कॉमेडियन शो के अंदर गए थे तब वहाँ के लोगों ने टिकट ली, पर उन लोगों ने उस टाइम ये नहीं देखा था कि जिस टाइम मुन्नावर भैया जिस टाइम कॉमेडी कर रहे थे उसी टाइम ना अमित शाह जी के जो भक्त थे वो वहाँ पे बैठे थे, और उन्होंने इस भैया जी को कुछ इस तरीके से पेला है कि मतलब पूछो ही मत। तो आप लोगों को अब मैं दिखा देता हूँ वो वाली वीडियो जिसके ज़रिए इनकी इतनी धुनाई हो गई है। अब आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो पहले एक ये क्लिप देखिए। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो आपको पूरा देखना है जिसमें मुन्नावर भैया ने राम सीता जी के बारे में कॉमेडी की थी, और पूरा पिटाई वाला वीडियो बिना स्किप करके देखना है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में सब कुछ रियल है और सब कुछ हकीकत है। तो जाइए यार वो वीडियो देखिए, आपको सारा ड्रामा समझ आ जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।